हाय दिस इज प्रभात रंजन। आज के इस वीडियो रिव्यू कर रहे होंगे MAIT दिल्ली, महाराजा अग्रसेन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी दिल्ली की। तो MAIT दिल्ली हमारे न्यू दिल्ली दिल्ली में स्थित एक प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज है, जो कि GGS IPU से अफिलिएटेड है, जिसकी स्थापना 1999 में हुई थी। और बात करें NRF रैंकिंग की, तो 2022 में इन्हें 201 से 250 NRF इंजीनियरिंग रैंक बैंड के बीच रखा गया था। हर कॉलेज रिव्यू देखते हैं आज के इस वीडियो में। सबसे पहले इंटरनेट पर जितना भी डेटा अवेलेबल है, लाइक प्लेसमेंट्स, एडमिशन प्रोसेस, कट ऑफ, फी स्ट्रक्चर, बहुत क्विकली डिस्कस करने के बाद आराम से इत्मीनान से कॉलेज एंड हॉस्टल लाइफ डिस्कस कर रहे होंगे। तो स्टार्ट कर ले प्लेसमेंट के साथ। तुम्हारे पास 2022 का प्लेसमेंट डेटा अवेलेबल है, जो MAIT महाराजा अग्रसेन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी ने NRF के पास सबमिट किया था। तो इस NRF डेटा के हिसाब से 2022 में टोटल 989 स्टूडेंट्स ने बीटेक से ग्रेजुएशन कंप्लीट किया, जिसमें 848 स्टूडेंट्स प्लेस थे। यानी इस डेटा के हिसाब से सभी बीटेक ब्रांचेस को मिलाकर ओवरऑल प्लेसमेंट परसेंटेज लगभग 85% रहा। अब किस प्रकार के ब्रांचेस है, तो जिस समय का प्लेसमेंट रिकॉर्ड है, जिस बैच की, उस समय सिर्फ आपके जो ब्रांचेस हुआ करते थे, लाइक आपका कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, जिसे आप यूजुअली इलेक्ट्रिकल भी कह सकते हो, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, जिसे आम भाषा में हम इसे इलेक्ट्रॉनिक्स कह रहे होते हैं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, मैकेनिकल एंड ऑटोमेशन इंजीनियरिंग और मैकेनिकल इंजीनियरिंग। तो इनके रिकॉर्ड्स के हिसाब से अगर हम बात कर लें, वापस से अगर NRF डेटा पे आए, तो 2022 में सभी बीटेक ब्रांचेस को मिलाकर 8.25 LPA का मीडियम सैलरी रहा, ओवरऑल मीडियम सैलरी है सभी बीटेक ब्रांचेस को मिलाकर। लेकिन कुछ एक डिटेल्ड डेटा इन्होंने भी अपनी तरफ से दे रखा है, जिसमें इन्होंने बता रखा है लाइक 2022 में जो मैक्सिमम प्लेसमेंट्स हुए हैं आपके कंप्यूटर साइंस ब्रांच से हैं, IT ब्रांच से और EC इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग ब्रांच से। आपका इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स से काफी कम प्लेसमेंट्स हुए हैं, और सिमिलरली सेम गोज फॉर आपका मैकेनिकल और मैकेनिकल एंड ऑटोमेशन इंजीनियरिंग। तो इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल वाले जो दो ब्रांचेस है, एक आपका नॉर्मल मैकेनिकल और मैकेनिकल एंड ऑटोमेशन, इनमें थोड़े प्लेसमेंट्स कम है, वरना फिर आपके कंप्यूटर साइंस, IT और इलेक्ट्रॉनिक्स वाले डिपार्टमेंट में बढ़िया प्लेसमेंट रिकॉर्ड्स हमें देखने को मिले हैं। इसी का नतीजा रहा कि आज के डेट में आप बहुत सारे ब्रांचेस देख पा रहे होंगे, लाइक आपका कंप्यूटर साइंस में ही जितना मैं यहाँ देख पा रहा हूँ, रफली 400-500 के कंप्यूटर साइंस के ब्रांचेस हो गए। इसी प्रकार आपका लगभग 4 ब्रांच इलेक्ट्रॉनिक्स का हो गया, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग विद स्पेशलाइजेशन इन एडवांस कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग विद स्पेशलाइजेशन इन VLSI डिजाइन एंड टेक्नोलॉजी, इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का भी 2 ब्रांच है, एक IT और एक IT एंड इंजीनियरिंग, मैकेनिकल का वही है, एक मैकेनिकल एंड ऑटोमेशन इंजीनियरिंग और मैकेनिकल इंजीनियरिंग। कंप्यूटर साइंस के सभी ब्रांचेस का नाम बता दूं, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग विद स्पेशलाइजेशन इन AI, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग विद स्पेशलाइजेशन इन AI ML, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग विद स्पेशलाइजेशन इन डेटा साइंस और एक नॉर्मल कंप्यूटर साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो आप देख सकते हो कि जिन ब्रांचेस में बढ़िया प्लेसमेंट रिकॉर्ड्स देखने को मिले, वहां बस ब्रांचेस भर दिए गए हैं। जहां पर उतने बढ़िया प्लेसमेंट्स नहीं देखने को मिले, कहीं वहां 30 सीट्स है, कहीं 60 सीट्स है, जो भी प्रॉपरली फिल नहीं हो पा रहे, वहीं कंप्यूटर साइंस में कहीं 60 सीट्स है, कहीं 180 सीट्स है, कहीं 90 सीट्स है किन्हीं ब्रांचेस में। मतलब कंप्यूटर साइंस हो गया, इलेक्ट्रॉनिक्स, इनमें ब्रांचेस भर भर के दिए गए। प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज है, तो इस प्रकार की चीजें हमें देखने को मिलती है। जहां डिमांड है, जहां प्लेसमेंट रिकॉर्ड है, जहां स्टूडेंट्स जाना चाहते हैं, उनमें ब्रांचेस सीट्स बढ़ जाते हैं। इसी के साथ कुछ स्टूडेंट्स ने डेटा शेयर किया कि बहुत सारे स्टूडेंट्स ऑफ कैंपस प्लेसमेंट्स के लिए भी जा रहे होते हैं, जिसके वजह से प्रीवियस ईयर के कंपैरिजन में हमें एवरेज पैकेज थोड़ा सा बेटर देखने को मिल रहा होता है। लाइक कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग का एवरेज पैकेज लगभग 13 LPA बताया है स्टूडेंट्स ने, तो ऑफ कैंपस प्लेसमेंट्स बहुत ज्यादा जा रहे होते हैं, लाइक 51 LPA तक का आपका हाईएस्ट पैकेज बताया गया है। तो ऑफ कैंपस के लिए बहुत ज्यादा स्टूडेंट्स फाइट मार रहे होते हैं, जिसकी वजह से एवरेज पैकेज बढ़ जा रहा होता है। बात कर ले एडमिशन प्रोसेस की, तो सबसे पहले आप जेईई मेंस का एग्जाम दे रहे होंगे, और जेईई मेंस के एग्जाम में जो भी रैंक बनेगा, उसके बेसिस पर इनका यूनिवर्सिटी GGS IPU का काउंसलिंग होता है, उसके थ्रू आपको कॉलेजेस और ब्रांचेस अलॉट हो रहे होंगे। बात कर ले कट ऑफ की, तुम्हारे पास जेईई मेंस 2023 लास्ट राउंड जनरल स्टूडेंट के क्लोजिंग रैंक के कट ऑफ के स्क्रीनशॉट लगे हुए हैं। लाइक कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग 2023 में दिल्ली रीजन के लिए क्लोज हुआ था 62,641 रैंक पर, और वहीं आउटसाइड दिल्ली रीजन के लिए क्लोज हुआ था 31,844 रैंक पर। अब इतना ज्यादा डिफरेंस क्यों आ पा रहा है बाकी सारे रैंक्स में, लाइक दिल्ली और आउटसाइड दिल्ली वाले रीजन में? क्योंकि दिल्ली रीजन कैंडिडेट्स के लिए 85% सीट्स रिजर्व्ड होते हैं, सिर्फ 15% सीट्स आउटसाइड दिल्ली रीजन स्टूडेंट्स के लिए होते हैं, जिसके वजह से आउटसाइड दिल्ली में कॉम्पिटिशन काफी बढ़ जा रहा होता है। बाकी सारे ब्रांचेस की आप देख सकते हो, अगर आपको हर ईयर हर राउंड हर कैटेगरी कट ऑफ चाहिए, तो आप कॉलेज प्रवेश की वेबसाइट पर विजिट कर सकते हो। बात कर ले फी स्ट्रक्चर की, तुम्हारे सामने डिटेल्ड इंस्टीट्यूट फी, ट्यूशन, हॉस्टल फी का स्क्रीनशॉट लगा हुआ है, जिसमें आपके हॉस्टल फी में ही
आपके मेस फी भी इंक्लूडेड है। इसमें आप देख सकते हो कि अलग अलग हॉस्टल फी स्ट्रक्चर है, कहीं सिंगल सीटर, डबल सीटर, फोर सीटर, एसी, नॉन एसी, जिसके वजह से हॉस्टल फी का बहुत सारा वैरायटी बन जा रहा था। तो आपको कौन सा हॉस्टल चाहिए उस हिसाब से हॉस्टल फी आप अलग से 4 साल का कैलकुलेट कर लीजिए। वरना अगर हॉस्टल और मेस छोड़कर बताऊं, वापस से बता दूं, हॉस्टल और मेस एक साथ हॉस्टल वाले फी में दिया गया है। तो अगर हॉस्टल और मेस छोड़कर बताऊं बाकी सारे खर्चे, तो 4 साल में आपका जितना भी इंस्टीट्यूट, ट्यूशन सब कुछ हो गया हॉस्टल मेस छोड़कर, आपका लगभग 4 साल में 5,60,000 के आसपास लग रहा होगा। तो फाइनली हम पहुंचते हैं अपने कॉलेज एंड हॉस्टल लाइफ मोस्ट अवेटेड टॉपिक के ऊपर। तो सबसे पहले इसी पॉइंट के साथ स्टार्ट करना चाहूंगा, हमारा MAIT महाराजा अग्रसेन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी आपके न्यू दिल्ली, दिल्ली रीजन में एक ऑफ साइड लोकेशन, थोड़ा सा मेन सिटी से थोड़ा सा दूर बताया जा रहा होता है, जहां पर मेट्रो भी नियरेस्ट मेट्रो 7 से 8 किलोमीटर दूर हो जाता है। आपके 40.5 एकड़ के कैंपस एरिया में स्थित है। 40.5 एकड़ का कैंपस एरिया बहुत ज्यादा बड़ा नहीं होता, लेकिन बहुत ज्यादा छोटा भी नहीं होता अगर हम प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेजेस की बात कर रहे हैं। और टॉप प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेजेस लाइक आपका बिट्स पिलानी, मणिपाल, SRM, VIT वेलोर जैसे कॉलेजेस छोड़ दें, तो हमें एक डिसेंट कैंपस एरिया देखने को मिल जा रहा होता है। एंड बेटर प्लेसमेंट रिकॉर्ड्स देन देम अगर आप ऑफ कैंपस भी थोड़ा सा फाइट मारने के लिए तैयार हो। अगर हम बात कर ही रहे लाइक नियरेस्ट मेट्रो आपका 7 से 8 किलोमीटर दूर है, तो बाकी सारे कनेक्टिविटी की भी बात कर ही लेते हैं, तो नियरेस्ट रेलवे स्टेशन आपको 21 किलोमीटर दूर देखने को मिलेगा, न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन। 30 किलोमीटर दूर हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन, 38 किलोमीटर दूर आनंद विहार टर्मिनल रेलवे स्टेशन, और नियरेस्ट एयरपोर्ट है 31.5 किलोमीटर दूर इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट दिल्ली। इस प्रकार की कुछ बेसिक डिटेल्स हो गए। अगर बात कर ले इंफ्रास्ट्रक्चर किस प्रकार का है, तो आपको एक बढ़िया इंफ्रास्ट्रक्चर देखने को मिल रहा होगा, एक डिसेंट मतलब ठीक ठाक है, बहुत ज्यादा मतलब अगेन वही है कि आप प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेजेस में VIT वेलोर, मणिपाल, SRM, बिट्स पिलानी, इनके इंफ्रास्ट्रक्चर से कंपेयर नहीं कर सकते, लेकिन एक डिसेंट ठीक ठाक आपको इंफ्रास्ट्रक्चर देखने को मिल जाएगा। GGS IPU का वन ऑफ द टॉप आप इसे इंजीनियरिंग कॉलेजेस मान सकते हो, वन ऑफ द बेस्ट इंजीनियरिंग कॉलेजेस में आता हमारा GGS IPU के इंजीनियरिंग कॉलेजेस के सभी लिस्ट में से, जिनमें 120 से ज्यादा कॉलेजेस आते हैं GGS IPU के अंदर। इसी के साथ बात कर ले मैं क्या सारी कुछ फैसिलिटीज देखने को मिलती है, तो हमें 2 ऑडिटोरियम देखने को मिलता है, एक है मेन ऑडिटोरियम 750 स्टूडेंट्स के सिटिंग कैपेसिटी वाला, और एक मिनी ऑडिटोरियम है 120 सिटिंग कैपेसिटी वाला, जिसे आप एक बढ़िया सा क्लासरूम बोल सकते हो। इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कहूंगा, क्योंकि बहुत सारे अगर IITs एंड NITs की बात कर ले, तो 120 सीटर कैपेसिटी से ज्यादा का तो इनका काफी सारे IITs एंड NITs में लेक्चर हॉल्स, क्लासरूम्स होते हैं, जिसके वजह से इन्हें मिनी ऑडिटोरियम कहिए तो ठीक है, वरना प्रॉपर ऑडिटोरियम नहीं कह सकते। एक मेन ऑडिटोरियम है जो कि 750 सीटर कैपेसिटी वाला है। अगर हम बात कर ले स्पोर्ट्स फैसिलिटी के अंदर, तो स्पोर्ट्स फैसिलिटी में हमें लाइक कहीं तो बता दिया गया कि क्रिकेट फुटबॉल ग्राउंड भी अवेलेबल है, कुछ मैंने फुटबॉल नेट्स भी देखे, लेकिन मेनली आपको कुछ छोटे बहुत लाइक बास्केटबॉल, वॉलीबॉल, कुछ इंडोर स्पोर्ट्स फैसिलिटी, यही सारी चीजें देखने को मिलती है। बहुत ज्यादा स्पोर्ट्स फैसिलिटी एक्सटेंसिव नहीं है, डिसेंट है कि हाँ कुछ कुछ मिल जाएगा, कि अगर कुछ कुछ प्रैक्टिस करना हो तो वो सारी चीजें हो जा रही हो, वरना स्पोर्ट्स को लेकर उतना ज्यादा बढ़िया फैसिलिटीज प्रोवाइडेड नहीं है। अगर बात कर ले हॉस्टल फैसिलिटी की, तो बॉयज हॉस्टल कैंपस के अंदर है, लेकिन वही गर्ल्स हॉस्टल 2 है, एक आपका कैंपस के जस्ट बाहर है और एक आपके कैंपस से 2 किलोमीटर दूर है। तो यूजुअली गर्ल्स स्टूडेंट्स ने बताया कि प्रेफर करते हैं लाइक कहीं आसपास में पीजी लेकर रह ले, क्योंकि अगर इनके हॉस्टल्स भी देख लीजिए तो थोड़े से महंगे साइड पर चले जा रहे होते हैं। अगर हाँ अब 4 सीटर नॉन एसी की बात कर लो तो थोड़ा बहुत अफोर्डेबल है, बट इतना भी अफोर्डेबल नहीं है, जिसके वजह से कुछ स्टूडेंट्स आपके कैंपस के बाहर यूजुअली जो भी ऐसे रह रहे हैं हॉस्टल्स लेकर, तो जब कैंपस के बाहर ही बाहर वाले हॉस्टल्स में ही रहना, तो उसे अच्छा पीजी ले ले एक अफोर्डेबल रेट पर। तो ये सारी चीजें भी हो रही थी। अगर हम बात कर ले जो भी हमारे फैसिलिटीज अब प्रोवाइडेड है हॉस्टल फैसिलिटीज, तो मैंने बता दिया सिंगल सीटर, डबल सीटर, फोर सीटर, एसी एंड नॉन एसी रूम्स अवेलेबल हैं। मेस का खाना डिसेंट एवरेज है, ना तो बहुत ज्यादा बढ़िया और ना ही बहुत ज्यादा खराब, यानी कि तबीयत भी नहीं खराब हो रहा होगा, इस प्रकार का भी खाना नहीं है, लेकिन घर के खाने का टेस्ट मिल जाए ऐसा भी नहीं है, दूर दूर तक ऐसा नहीं सोच सकते। किसी भी मेस में चले जाइए, अगर हम कुछ टॉप के कुछ IITs प्राइवेट कॉलेजेस, बहुत गिने चुने कॉलेजेस में भी देखने को मिलता है कि घर के खाने का जो टेस्ट होता है उसे मैच कर पाए, वरना यूजुअली हमें मेस का खाना बस काम चलाओ देखने को मिल रहा होता है, अगर हम खराब मेस का खाना नहीं बोल रहे हैं तो। वरना खराब बोलो तो बहुत सारे लोगों को हाइजीन प्रॉब्लम्स भी हो जाते हैं, बहुत सारे लोग मतलब यूजुअली ट्राई करते बाहर कहीं डब्बा वाला या फिर इस प्रकार की कुछ सर्विस ले ले, कुछ कैंटीन्स बाहर ही देख ले, बट उस प्रकार की चीजें नहीं है, एक एवरेज डिसेंट ठीक ठाक मेस देखने को मिल जाएगा। बात कर लेकर हम स्टूडेंट एक्टिविटीज, सोसाइटीज, क्लब्स, फेस्ट, इवेंट्स की, तो सबसे पहले क्लब्स के अंदर मान लीजिए, तो टेक्निकल एंड नॉन टेक्निकल जो भी हमारे टेक्निकल कल्चरल क्लब्स हो गए, डिसेंट ठीक ठाक अच्छे खासे नंबर ऑफ आपको क्लब्स देखने को मिल जाएंगे, यानी कि पढ़ाई के अलावा अगर आपको कुछ और करना है कोकरिकुलर एक्टिविटीज, तो ठीक ठाक आपको चीजें देखने को मिल जाएंगी। और वहीं अगर बात कर ले इवेंट्स में, तो इवेंट्स भी आपको मतलब एक टेक्निकल फेस्ट, कल्चरल फेस्ट, छोटे बड़े और भी इवेंट्स हो रहे होते हैं,
लेकिन वही बात है, आप टॉप के प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज से कम्पीट नहीं कर सकते, बट वही जो छोटे छोटे कॉलेजेस हो गए आसपास में उनसे बेटर हमें देखने को मिल जाता है, मतलब डिसेंट एवरेज लेवल पर हमारा इवेंट एंड फेस्ट भी हो जाएगा। बात ये है कि एक डिसेंट कॉलेज लाइफ हम एंजॉय कर लेंगे, बहुत ज्यादा चीजें नहीं है, और इसी के साथ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट हमें बढ़िया देखने को मिल जाता है इन कंपैरिजन टू आपके वीआईटी, वेलोर, एसआरएम, और इसी के साथ मणिपाल जैसे जो कॉलेजेस हो गए। बिट्स पिलानी से बेटर तो मैं नहीं कहूंगा, क्योंकि बिट्स पिलानी एक अलग लीग पर है, आईआईटीज के लीग में गिनती होती है, लेकिन अगर हम बात कर ले अपने यही वीआईटी, वेलोर, एसआरएम, मणिपाल से, तो उनसे बेटर हमें प्लेसमेंट रिकॉर्ड्स देखने को मिलते हैं, और उनसे सस्ता ही हमें कुछ हॉस्टल और बाकी सारे फी अगर मिला लें तो उनसे सस्ता ही हमें देखने को पड़ रहा होता है। और इन रेयर केसेस दोनों कॉलेजेस बराबर हो जाते हैं, लेकिन प्लेसमेंट रिकॉर्ड्स बेटर हमें देखने को मिलते हैं, जिसकी वजह से इन सारे कॉलेजेस से हमें बेटर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट देखने को मिलता है। एक बढ़िया हमें लोकेशन, उतना बढ़िया तो नहीं कहूंगा, हाँ न्यू दिल्ली में जा रहे हो, लेकिन फिर भी आपका थोड़ा सा ऑफसाइड लोकेशन पड़ जाता है सिटी से। तो यही सारी चीजें थी इस कैंपस को लेकर। अब जो भी स्टूडेंट एमएआईटी से इस वीडियो को देख रहे, अगर अभी तक का आपका अपना कॉलेज एक्सपीरियंस कैसा रहा है, पॉजिटिव नेगेटिव जो भी आपका अपना कॉलेज एक्सपीरियंस हो, कॉलेज ओपिनियन हो, या फिर आज की इस वीडियो में मेरे किसी पॉइंट से सहमत असहमत हो, या फिर किसी पर्टिकुलर ब्रांच का लेटेस्ट अपडेटेड प्लेसमेंट डेटा अवेलेबल हो, कमेंट सेक्शन में लिखकर बताना ना भूलें। और जो भी स्टूडेंट्स किसी दूसरे इंजीनियरिंग कॉलेज से इस वीडियो देख रहे हैं, अगर अभी तक आपके इंजीनियरिंग कॉलेज का रिव्यू वीडियो हमारे चैनल पर अवेलेबल नहीं है, तो डिस्क्रिप्शन में आपको गूगल फॉर्म देखने मिल जाएगा, जिसमें आपके कॉलेज से रिलेटेड हर छोटे से बड़े डिटेल्स पूछ रखे गए हैं। तो उस गूगल फॉर्म को ईमानदारी और जिम्मेदारी के साथ फिल आउट करिए, ताकि हमारे पास आपके कॉलेज से रिलेटेड हर छोटे से बड़े डिटेल्स अवेलेबल और आपके कॉलेज का रिव्यू वीडियो जल्द से जल्द बना सकूं। आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब दिल खोल करिएगा, और अगर कुछ दिल की बातें, कुछ मन की बातें लिखकर बतानी हो या पूछनी हो तो कमेंट सेक्शन आप ही के लिए तो है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, गुड बाय, नाइस डे, विश यू ऑल द बेस्ट फॉर फ्यूचर, एंजॉय जर्नी।